कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। और इस समय मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ पूजा करने। आज थर्सडे का फास्ट है मेरा, मतलब बृहस्पतिवार का व्रत है। आप लोग जानते होंगे बृहस्पति भगवान का व्रत होता है, तो मैं जा रही हूँ अपना कथा करने। बाकी मैं सुबह से उठ के झाड़ू लगा लिया है और पोछा आज नहीं लगाना चाहिए कहते हैं सब लोग, तो मैंने पोछा नहीं लगाया है और आज पोछा नहीं लगाया है, इसीलिए मैंने मॉर्निंग का ब्लॉग आप लोग को नहीं दिखाया। तो मैं अब से अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो चलिए अब हम लोग पूजा करते हैं और आप भी देखिए हम कैसे पूजा करते हैं। मैं हैं कुछ गमलों का काम है तो उसी में कुछ करने गए हैं, तो इधर सब सो रहे हैं, अभी आधे लोग सो ही रहे हैं फिलहाल। तो अभी मैं चलती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैं बृहस्पति भगवान की पूजा कर रही हूँ, कथा कर रही हूँ। इस कथा मुझे ज़्यादा नहीं लगता टाइम, 15 मिनट में मैं कथा पूरा ख़त्म कर लेती हूँ। ये तो आदत पड़ गई है पढ़ने की। और ये पास्ट मैं शादी के पहले से ही रह रही हूँ और ये मैं इसको मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ, इसको मैं हमेशा करती हूँ। मैं भगवान को प्रसाद में चने की दाल और मुनक्का जो होता है और गुड़, यही चढ़ाया जाता है। और अगर उनके प्रसाद में आप जब तक तुलसी का पत्ता नहीं पड़ता तब तक प्रसाद उनको स्वीकार नहीं होता है। तो हमेशा आप भी जानते होंगे कि विष्णु भगवान के और बृहस्पति भगवान का एक ही मतलब होता है पूजा, तो उनमें हमेशा भोग में तुलसी का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने कथा स्टार्ट कर दी है और मैं कथा पढ़ूंगी। फ्रेंड्स, अब मैं आरती करने जा रही हूँ और आरती करने के बाद ही मैं फिर किचन में जाऊँगी।
तो दोस्तों, मैं अपने किचन में आज गई हूँ और आप गेस करिए कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, में आप मुझे देख चुके हैं ये नाश्ता बनाते हुए। मैंने ब्रेकफास्ट में फिर से उपमा बना रही हूँ। और देख सकते हैं कि मैंने इसमें क्या क्या लिया, आप मेरे पिछले वाले ब्लॉग में देख सकते हैं। जो नए सब्सक्राइबर हैं मेरे, वो जाके देख लें। मैंने उसमें उपमा शेयर किया हुआ है, जैसे मैंने बनाया हुआ है सेम वैसे ही मैं बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने चाय रख दिया है बनने के लिए, और अब मैं इसको चाय छान के फिर मैं डैडी को और सबको चाय सर्व कर दूँगी। फिर उसके बाद मैं लंच बनाऊँगी। ये मेरी मैडम उठ गई हैं, मेरी बेबी तो मेरे पास आ गई थी, तो थोड़ा सा मैं उसको खिला रही थी, तो मैंने सोचा आप लोग से भी मिलवा दूँ। तो दोस्तों, मैं अरहर की दाल बनाने जा रही हूँ लंच में। तो ये देखिए, मैंने अरहर की दाल मैं ले रही हूँ बनाने के लिए। तो मैं ज़्यादा नहीं, एक गिलास अरहर की दाल लूँगी, क्योंकि मैं नाप के रखती हूँ। इसमें भी पता चल जाता है कि कितना यूज होगा, मतलब मेरे फैमिली में। तो मैंने एक गिलास ही अरहर की दाल लिया है, और पानी डाला हुआ है, हल्दी नमक डाला हुआ है। देख सकते हैं, मैंने ये खटाई लिया है, आम खटाई, जो मैं दाल में डाल रही हूँ। इसमें दाल का टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब ये मैं अपने हस्बैंड को देने जा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लेट में उठे थे, तो मैं उनको चाय और उपमा देने जा रही हूँ। तो दोस्तों, मैं केले की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, कच्चे केले की सब्ज़ी।
अभी मैंने कच्चे केले को पहले काट के रख लिया है और लहसुन को कूट के रख लिया है। और पहले मैंने उसमें ऑयल डाला, फिर मैं अपने लहसुन को कूच रही हूँ। दोस्तों जैसे नॉर्मली सारी सब्जियां हम लोग बनाते हैं सेम वैसे ही हम केले की सब्जी भी बनाएंगे, अगर सूखी सब्जी आप बनाना चाहते हो। बाकी गीली गाली तो मैं नहीं जानती, अभी मैंने बनाया नहीं है, तो मम्मी से ये पूछ के मैं केले की सब्जी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो जब तक मेरी सब्जी हो रही है और दाल हो रही है तब तक मैं अपने आटा को लगा के रख दूंगी। तो मैंने ये आटा गूंथ लिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरी रोटियां भी बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं अपनी दाल को फ्राई करूंगी। तो मैंने वही पैन में तेल लिया हुआ है, फिर मैं इसमें थोड़ा सा हींग डालूंगी और जीरा डालूंगी और मैंने जो लहसुन कूच के रखा है वो डालूंगी और एक हरी मिर्च को मैंने बारीक काट के रखा था मैंने उसको डाल दिया और थोड़ा सा मैं उसको जला लूँगी।
फिर उसके बाद मैं दाल में तड़का लगा दूंगी। मैंने टमाटर से फ्राई नहीं किया क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी आम खटाई डाली हुई है, तो टमाटर डालने पे अच्छा नहीं लगेगा। या तो फिर हम खटाई डालें या फिर टमाटर, दोनों में से सिर्फ एक ही चीज़ डाल सकते हैं। तो मेरी दाल बनके तैयार हो चुका है। तो दोस्तों अब मैं किचन क्लीन करने जा रही हूँ, उसके बाद मैं अपने फास्ट हूँ उसके लिए मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी। तो दोस्तों कल मैंने यहाँ पे मतलब विजयदशमी के दिन मैंने कुछ खाना बनाया था, मतलब तो काफ़ी ऑयल टाइल्स में जम गया था, तो उसको मैं सोच रही थी कि आज मैं धो दूँ। तो वही मैं टाइल्स को साफ़ कर रही हूँ, मैं एक एक चीज़ अच्छे से साफ़ कर दूँगी। अभी लंच काफ़ी लेट से करेंगे सब लोग, तो आज मेरा फास्ट भी है और बाकी लोग लंच लेट से करेंगे। तब तक मैं अपने किचन को क्लीन कर देती हूँ। बर्तन मैंने पहले से ही बाहर निकाल के रख लिया है, मैं आंगन में ही बर्तन धुल के रख दूँगी क्योंकि अंदर मुझे किचन को क्लीन करना था, इसलिए मैंने सारे बर्तन बाहर निकाल दिए थे। उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा हर जगह अच्छे से क्लीन कर दूँगी किचन को।
अपने नीचे के फर्श को क्लीन करूँगी, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों की जो टाइल्स होती है किचन की काफ़ी वाइट होती है, तो उसको हम जब तक अच्छे से ब्रश से रगड़ नहीं देते तब तक वो चमकता नहीं है। तो मैंने कुछ नहीं किया है, थोड़ा सा वाइट विनेगर डाला है और हल्का सा सोडा डाला है और थोड़ा सा डिटर्जेंट लेके मैं उसको थोड़ा सा ब्रश से रगड़ दूँगी तो वो चमक जाएगा। उसके बाद मैं नीचे धो दूँगी। काफ़ी अच्छे तक अच्छे से क्लीन हो जाएगा, तो कम से कम फिर उसके बाद में हफ्तों नहीं दो तीन दिन तक तो मैं पोछ पोछा कर सकती हूँ नीचे, क्योंकि अगले दो तीन दिन तक पोछा करके उसके बाद फिर धो देती हूँ नीचे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने बर्तन भी क्लीन करके रख दिया और मेरा किचन भी जहाँ तक है अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। सब कुछ मैंने अच्छे से लगा दिया है और ये मैंने चाय रख दिया, चाय नहीं सॉरी गाइस, मैंने चाय नहीं रखा है, बेबी का बॉटल मैं धो रही थी। बाद में जब बर्तन मेरे सूख जाएंगे तो मैं जाली में लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स आपने देख ही लिया कि मैंने अपना किचन क्लीन कर लिया है और बर्तन भी क्लीन कर लिया है और मैं अब मेरा फास्ट था अभी बज गए हैं 11 और मैं मॉर्निंग के 11 बज गए हैं। अभी मैंने सिर्फ पानी सिर्फ पिया हुआ है और अब मैं जल रही हूँ चाय पीने और थोड़ा सा मखाना मैं भूनूंगी और भूनने के बाद फिर उससे मैं चाय पीऊँगी। और आप देख सकते हैं कि मैंने चाय उबलने के लिए रखा है, गैस मैंने बंद कर दिया था क्योंकि बाहर किसी ने मुझे बुलाया था, तो मैं गैस को ऑन कर दूंगी। और इसमें मैंने अदरक नहीं था मेरे पास, क्योंकि फास्ट में तो ऐसे ही मीठा ही पीना होता है तो बिना अदरक या के चाय अच्छी नहीं लगती, तो मैंने इसमें थोड़ा सा इलायची पीस के रखा था, वो मैं इलायची डाल दे रही हूँ इसमें। ये देखिए इसमें मैंने इलायची डाल दिया है और ये मैंने कढ़ाई चढ़ा रखी है। तो गाइस पहले मैं इसमें थोड़ा सा घी डालूँगी, और जब तक मेरी चाय पक रही है तब तक मैं अपने मखाने को भून लूँगी, तो इसमें मैं थोड़ा सा मखाना डाल दूँगी और इसमें मैं नमक नहीं डालूँगी क्योंकि आज के फास्ट में थर्सडे के फास्ट में नमक यूज़ नहीं होता है, तो इसमें से मैं थोड़ा सा मखाना ही भूनूँगी। अभी मैंने चाय में चीनी नहीं डाला तो मैं इसमें एक चम्मच चीनी डालूंगी, मैं इसमें ज़्यादा चीनी नहीं डालूंगी क्योंकि आपको पता ही है कि बिना नमक के फास्ट काफ़ी दिक्कत हो जाता है फास्ट रहना, और मुझे तो काफ़ी दिक्कत हो जाता है लेकिन मैं रहती हूँ और इसलिए मैं लाइट मीठा पीना पसंद करती हूँ चाय में, तो इसमें मैंने थोड़ा सा ही चीनी डाला है कि दिन भर मुझे मीठा ही खाना रहता है, नमक कुछ नहीं खा सकते हैं तो एनर्जी भी थोड़ी कम हो जाती है बिना नमक के, आप लोग जान सकते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा मीठा भी नहीं खाती हूँ, खाना पसंद करती हूँ, बिल्कुल मीठा खाना पसंद नहीं करती हूँ, सॉरी। तो गाइस मैं अपने मखाने को थोड़ा सा भून लूँगी। और काम जल्दी जल्दी क्या, 11 बज गया है, काम हो चुका है और बेबी मेरी सो रही है, तो मैं सोच रही हूँ चाय पी लूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा दूध जाके पिलाऊँगी। सॉरी गाइस 11 नहीं बजा है, मैं काम करने में इतना मगन हो गई कि मुझे ये भी नहीं पता चला कि 12:30 हो गया, क्योंकि मैं किचन काफ़ी देर से क्लीन कर रही थी, आधे घंटा से एक घंटा हो गया था, एक घंटा नहीं शायद आधा घंटा ना मम्मी, हाँ आधा घंटा हो गया था, तो आधे घंटे मैंने देखा नहीं टाइम, अभी मैं देख रही हूँ 12:30 हो रहा है, काफ़ी टाइम हो गया, अभी मैंने चाय भी नहीं पिया है, बहुत तेज़ भूख लग रहा है। तो गाइज अब मैं भी चाय पी लेती हूँ, और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिएगा और मुझे लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है, और प्लीज़ नीचे दी हुई बेल आइकन को बजा दीजिएगा, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।